लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान एक साथ दोहरी साजिश रच रहा है। यह खुलासा हुआ है गृह मंत्रालय को भेजे बीएसएफ के खुफिया इनपुट से। जानकारी के अनुसार भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल आउट की वजह से सर्दियों में आतंकी घुसपैठ कराने में नाकाम रहा पाकिस्तान, अब गर्मियों में बड़ी आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। सीमा पर फायरिंग की आड़ में आतंकियों को बॉर्डर पार कराने के लिए उसने पूरी तैयारी कर रखी है। इसके लिए पाकिस्तान ने अपनी 62वीं इन्फेंट्री की संख्या को मार्च और अप्रैल के महीने में एलओसी पर कई गुना बढ़ा दिया है। सूत्रों के अनुसार सीज फायर उल्लंघन के लिए पाकिस्तान ने 210 से ज्यादा ट्रूप्स की संख्या एलओसी पर बढ़ाई है। इसके अलावा पाकिस्तान ने 14 नए आर्मी पोस्ट भी बनाए हैं। इन पोस्टों के जरिए पाकिस्तानी सेना फायरिंग की कोशिश में है। बीएसएफ ने गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें बताया गया है कि पाक रेंजर्स को पाकिस्तानी सेना लगातार मदद कर रही है। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और जवान पाक रेंजर्स के साथ राजस्थान इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार रेकी करने के लिए लगातार आ रहे हैं। आपको बता दें अमूमन पाक आर्मी इंटरनेशनल बॉर्डर पर नहीं रहती है, इन जगहों पर पाक रेंजर्स ही तैनात रहते हैं, लेकिन अब पाकिस्तानी सेना भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर कई जगह अपने स्थायी बंकर और पॉइंट बना रही है।